एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज गए हैं। सो पहली बार तो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो में इतनी अच्छी से बनी हुई हूँ, तो मैं जा रही हूँ। एक्चुअली मेरी जो सगी वाली बहन है ना, बड़ी बहन, उसके घर में एक फंक्शन है, जातर मतलब उन्होंने मन्नत वगैरह रखी हुई थी, तो जाते हैं वो अपने इष्ट देवी देवताओं के पास, तो हम लोग भी वहाँ जा रहे हैं। सो मिलते हैं आपसे वहाँ पे। अभी एक्चुअली थोड़ा लेट हो रहा है ना, तो ठीक है, बाय बाय। तो मेरे साथ जा रहे हैं बड़ी मम्मी, मम्मी और मासी। बस हमें यहाँ तक जाना है, यहाँ से बस मिल जाएगी। सो ये हम पहुंच चुके हैं बैजनाथ, और यहाँ पर हमको थोड़ा सा सामान लेना था, मिठाई वगैरह, तो हमने वो ली। और इसके बाद हमें बस भी मिल गई थी, और मैंने थोड़ा अपने लिए खाने पीने का सामान भी ले लिया था। और ये हम जोगिंदर नगर पहुँच चुके थे, और यहाँ पे मैं बहुत बोर हो रही थी क्योंकि 1-1.5 घंटा यहाँ पर बस रुकी थी, फिर चली फाइनली। और यहाँ पे मैंने गुमा की लोकेशन इसलिए सेट करी है क्योंकि इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। तो ये हम पहुंच चुके थे फ्यूनगढ़ू, इस जगह का नाम है फ्यूनगढ़ू, और ये जो वैली है इसको चौहार वैली कहा जाता है। गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड हियर। अब हमको जाना है पैदल पैदल। मैं आपको बताना भूल गई थी कि हमें कहाँ जाना है, तो हमें जाना है देव पशकोट जी के मंदिर। गाइस लोकेशन चेक करो, कितनी सुंदर है, देखो। यहाँ देखो इन खेतों में इन्होंने आलू लगाए हुए हैं सारे में। और ये है उल रिवर जो कि थम्सअप ग्लेशियर से निकली हुई है, तो गाड़ियाँ यहीं से पार्क होने स्टार्ट हो गई थी, और आगे जो ग्राउंड था वो तो पूरा भर गया था, लाइक इतने ज़्यादा लोग थे, इतनी भीड़ थी, मतलब एस्टिमेट लगा रहे थे लोग कि शायद 25 या 30 जातर थी यहाँ पर। तो यहाँ से हो गई है हमारी स्टार्टिंग, और भीड़ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पानी पी के नीचे देखो रिवर, कितना पानी है इसमें, वो देखो नीचे, और वहाँ है मंदिर। क्या मासी जी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ? पहली बार ही ना तू दी? हाँ तो आयो पहले भी बस थोड़ा सा ही रहा पहुँचने वाले हम, वो रहा मंदिर, दिख रहा होगा यहाँ से थोड़ा सा। गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हम, देखो ये है मंदिर, फ्रेंड से भी दिखाऊंगी मैं बाद में आपको। रही आनी क्या नहीं रहनी, खराब
अभी हमको मेरे को मेरी बहन ढूंढनी है यहाँ पे, कहाँ होगी वो पता नहीं। वो भीड़ देख सकते हो आप यहाँ पे। गाइस जोक के थी वहाँ चपली खोल रही थी, क्या थी हमने सखी। A few moments later. Finally, मेरे को मेरी बहन मिल चुकी है, वो रही मेरी बहन वहाँ पे बैठी हुई। Where is my cutie? Oh. हाँ ये वो गुफा है जो गुम्मा में जाके निकलती है, जो जिसको जिसको बंद कर दिया गया ना, कहाँ जाना गुम्मा में निकलती है ये। तो ये बताने के लिए मैंने वो लोकेशन पहले सेट करी हुई थी। गुफा। ये मेरा बेबड़ू है जो कि बहुत रो रहा है। क्यों रो रही है तिचको? क्योंकि इसको अब ना ये इरिटेट होगी लोगों से। और ये मेरी बड़ी बहन है। हेलो। हाँ दिख रही है। हाँ दिख रही है। बाप रे क्या हुआ, किसके पास आई है? मासी के पास। अरे तीज को अपनी नानी के पास आई हुई है, देखो। आजा 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 आजा। और ये है देव पशुकोट जी का मंदिर जो कि लकड़ियों और पत्थर से बना हुआ है। तो देख सकते हो आप लोगों और आसपास का व्यू, पूरा देवदार के वृक्ष। तेरी गला प्यारा दिनु संगी देवा तेरा भोला बेनु ताबे बकरा बेनु ताबे बकरा बेनु ताबे छोड़ी जेके आने मलका मिलने रे घोड़ी ताला का नड़दा ताला का भड़दा तेरा बोलो रुशन तो गुटली भी होंगी था काफल। क्यों लोल है छी, मेरे को जोक लग गई है। गाइस देखो वो वहाँ पे चढ़ रहे हैं, इसमें ना चढ़ने से कुछ मतलब मन्नतें पूरी होती हैं, बट उससे नहीं चढ़ पाया। और यहाँ पे एक पेड़ भी है ना वो काटने वाला, यहाँ पे वो तो मतलब काटा हुआ, उसको काट काट के फिर वो नहीं हुआ है वो ऐसा। मैंने इसमें डाला, मम्मी ने कहा छोड़ धोते रहने कर। इस साइड से काली आ रही है, आप सब काले आ रहे हो, देवी नहीं आप सब। मानसी ए विकास शर्मा है ना, दूसरी वीडियो अपनी बेटी।
क्या हवा लग रही है रानी भाई? तो गाइज इस सब के बाद हमने खाना खाया और उसके बाद हम चल पड़े घर की तरफ। ये खाना खाने लगे ना। बाय। ओके बाय। हम लोग हो गए हैं फ्री, अब जा रहे हैं हम घर। बड़ा ही ब्लॉगर यार, थक गए सब। आज वो बोला हम इंग्लिश हूँ। हाँ कितने भी थके बनाओ, बहुत धूप है गाइस। नदी दिखाती हूँ मैं आपको नीचे, उल रिवर देखो, पानी कितना ग्रीन है। बहुत ज़्यादा पानी, इतनी दूर से दिख नहीं रहा है बट बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग आए हुए थे वहाँ। फाफरा मत ले बोले मारा फाफरा मत। Everyone, so ये नेक्स्ट डे है। कल मैंने शूट नहीं किया था उसके बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। सो मैंने उसके बाद शूट ही नहीं किया। तो बस ये था, हम मंदिर गए थे उसके बाद घर आ गए थे और मैं तो सुबह सो गई थी बस। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।